मैगजीन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर बता दें इस वक्त की, शैलजा रशीद से ये जुड़ी बड़ी खबर है। शैला रशीद ने अपने पिता के खिलाफ ट्वीट किया, पिता के खिलाफ कोर्ट ऑर्डर की कॉपी ट्वीट की। कोर्ट ने मेरे पिता को घर से बाहर रहने को कहा है। शैला ने पिता पर घरेलू हिंसा का किया था मुकदमा। पिता ने शैला रशीद पर लगाया है देशद्रोह का आरोप। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। शैला के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को पत्र लिखकर शैला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और ये कहा है कि शैला अपने ही पिता को जान से मारने की धमकी दे रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शैला रशीद ने अपने पिता के खिलाफ ट्वीट किया है, पिता के खिलाफ कोर्ट ऑर्डर की कॉपी ट्वीट करते हुए कहा कि कोर्ट ने मेरे पिता को घर से बाहर रहने को कहा है। जेएनयू के प्रोफेसर सौरभ शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जी ये खबर आपने सुनी होगी कि किस तरह से शैला रशीद के पिता ने उस पर मुकदमा एफआईआर दर्ज कराई और कहा है कि जान को खतरा है उनका अपनी खुद की बेटी से, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। जी मल्लिका जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। देखिए जो उनके पिताजी ने जो भी आरोप लगाया है या फिर जो एफआईआर किया वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हम 2015-16 के यूनियन में हम और शैला एक साथ काम किए हैं और इनका करेक्टर, इनका चरित्र ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों के साथ आते थे। और मुझे दुख की ये बात है कि उस समय यूनियन में हमें भी ये ऑफर मिला था कि आप आइए, हमारे पास कुछ ऐसे एनजीओज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें फंड करेंगे और हमें ये सब काम करना है। तो ये तो मैं 2016 से 9 फरवरी 2016 में जब यहाँ पे देश विरोधी नारे लगाए गए, तब से मैं ये बात बोल रहा हूँ पूरे देश को, तमाम जितने भी इन्वेस्टिगेशन कंपनी है चाहे सरकार हो, सबसे बोला जा रहा है कि ये लोग का हमेशा से इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये लोग मासूम बन के डेमोक्रेसी के नाम पे बचना चाहते हैं और वो हर एक गलत काम करते हैं। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच देखिए दर्शकों को सुनाना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ आरोप शैला के पिता ने शैला पर लगाए हैं, सुनाते आपको। अपने यहाँ पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता था उसकी तो जाँच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। एज ए फादर आपने कभी समझाया इसको? बहुत, 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने इसको, कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। आपको धमकी भी दी गई? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, आपके बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा भागा जो हूँ। जी सौरभ जी, आपने सुना होगा क्या कुछ कहा अब्दुल रशीद जो कि शैला के पिता हैं उन्होंने। तो सोचिए कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत बार शैला को रोकने की कोशिश की है, उसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन अब तो बात मेरी जान पर बनाई है। देखिए ये तो एकदम सही बात बोल रहे हैं, और इनके बोलने से पहले मैं वो सारी बातें बोल चुका हूँ जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ 2015 से, क्योंकि इन दोनों लोगों ने एक ही साथ यूनियन में जेएनयू शासन में काम किया है। तो ये सब ऑफर हमेशा से उनको मिलता है, आता रहा है कि जेएनयू कैंपस में ऐसे लोग आते रह गए हैं जो एक बहुत बड़ा फंड देते हैं, ऑफर करते हैं, और वो बोलते हैं बस आपको देश के खिलाफ बोलना है, आपको देश में इस तरीके से गतिविधियां करना है ताकि कैंपस में और देश में सोसाइटी में हमेशा केओस मचा रहे। तो यह तो पुरानी बातें, ये तो पूरा एक गैंग है, चाहे ये हो चाहे कन्हैया हो, तमाम ऐसे लोगों को अगर हम इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो ऐसे फंड हमेशा आपको मिलेंगे। मुझे तो हैरानी की बात है कि अब जाके पता चला है जब इनके पिताजी बोल रहे हैं, और इस समय इनके पिताजी के साथ मैं हूँ। और सौरभ जी, ये बहुत बड़ी बात है एक पिता का सामने आकर के अपनी बेटी पर एफआईआर दर्ज कराना और कहना कि मेरी बेटी मुझे जान से मारने की धमकी दे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सौरभ जी। देखिए मल्लिका जी, आपको पता है जब बाहर से कोई फंड मिलता है, जब आपको पॉलिटिकल एम्बिशन होती है, जब आपको लगता है कि आप उस लायक नहीं हो, लेकिन आपको जी सौरभ जी आपके साथ बात को आगे बढ़ाऊंगी। सौरभ जी माफ कीजिएगा, एक और बार आपको रोकना चाहूंगी। दर्शकों को सुनाना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ आरोप अब्दुल रशीद ने लगाए हैं अपनी बेटी के ऊपर, सुनिए। देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना गुप्कार अलायंस की मीटिंग में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि इनकी पार्टी के लीडर अगर गुपकार में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो गुपकार डिक्लेरेशन के भी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली मोटिवेटेड हैं? देखिए मुझे इतना सारा पता नहीं है क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं बस सिर्फ जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज है उनको कह रहा हूँ
कि आप इन्वेस्टिगेट, और मेरा पक्का यकीन है कुछ ना कुछ निकला है। शुक्रिया जी। जी सौरभ जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपने सुना कि क्या कुछ आरोप उन्होंने लगाए? हाँ जी, देखिए मल्लिका जी, अभी मैं दोबारा जो बात बोला हूँ फिर उनके पिताजी ने वही बोला जी। तो जो उनके पिताजी जान रहे हैं वो, जब हम लोग यूनियन में काम करते थे ऐसा मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो इसलिए वाकई में जो अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको अच्छे तरीके से इस मामले को जांच करनी चाहिए, और सबसे पहले उनके पिताजी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि पिता अपने बेटी के लिए बोल रही है, और यही बात लेके कैंपस में जब मैं यूनियन में था 2015-16 में, तो यही सब बात मैं पूरे देश को बता रहा था। उस समय कोई विश्वास नहीं किया, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है जी। सौरभ जी, जैसे कि आपने कई बार इस बात का जिक्र किया अभी हमारी बातचीत में, अपने एक्सपीरियंस वर्ड बहुत बार यूज किया कि आपने अपने एक्सपीरियंस से कई बातें कही, कोई ऐसा कोई वाक्य आपको याद हो जिसके बारे में आपको लगता है कि आज जनता को जानना बेहद जरूरी है? कोई शैला की इसी तरह की गतिविधियों से जुड़ा, इसी तरह की कोई, जिस तरह के वो विवादास्पद बयान देती आई है या ट्वीट करती आई है, कोई इस तरह का वाक्य आपको अगर याद हो जो आपने देखा हो, खुद एक्सपीरियंस किया हो? देखिए जब मैं 2015-16 में, 15 से और 16 2000 सितंबर साथ काम की, और जो कि आराम से इनकी मीटिंग होती थी, और मुझे भी ऑफर मिलता था कि आप आओ साथ में, देखो सौरभ इतना फंड मिल रहा है, तो मैं कितनी बार मना किया हमके ये सब कोई जरूरत नहीं है, आपका हार्डवर्क है, अगर आपको आगे बढ़ना है पॉलिटिकली, आगे आगे आपका अगर एक सपना है तो उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। इस तरीके के दुश्मनों के साथ मिलके अगर आप फंड लेते हो तो वो हमारे देश के लिए खिलाफ है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कैंपस में हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की, हम लोग बात करते हैं गरीबी की, हम लोग बात करते हैं कि सभी के अधिकारों की जी। अब ये आप देखिए कि जो सबके अधिकारों की बात करता है वो कहाँ से फंड लेके और उस डेमोक्रेसी को चूर चूर कर रहा है जी। देश के दुश्मनों के साथ मिलके कैसे काम कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियसली बहुत ही संगीन मतलब आरोप लगाया जाता है पिताजी से। लेकिन मैं बताता हूँ ये पूरी सच्चाई है, इस पे अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, और कई लोग हैं कैंपस में जिनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैं ऐसा बयान एक होशो हवास में दे रहा हूँ, एक ज्वाइंट पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते बोल रहा हूँ, उनके साथ काम करने के कारण बोल रहा हूँ जी। जी सौरभ जी, एक और बार दर्शकों को सुनाना चाहते हैं कुछ और आरोप जो अब्दुल रशीद ने लगाए शैला पे, आप भी सुनिए, दर्शकों को भी सुनाते हैं। क्या उसके लिए फंडिंग आती? ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शैला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की JNU में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था। इस बार JNU का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी, तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल। सर आपको क्या पैसा मिल रहा है जी? आपको पैसा मिल रहा क्या? नहीं नहीं, उन्होंने जब उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया, हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए, शैला के आप चाहो तो आप ले सकते हैं, या मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा उसके बाद। जब यहाँ पे कठुआ का रेप केस हुआ था तब भी शैला का बड़ा नाम आया था और उसमें भी फंडिंग का मैं आया था। देखिए ना फंडिंग, मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये NGOs भी चलाती हैं, उन NGOs की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रही कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है, तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता था उसकी तो जाँच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है जहाँ से भी, क्योंकि ये NGOs भी चलाती है, उन NGOs की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जी। सौरभ जी, ये जो आरोप अभी आपने सुने इसमें दो चीजों का जिक्र हुआ, एक तो जो वो JNU में एक लेक्चर की बात करें इंजीनियर रशीदी का, उसके बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है? देखिए ऑब्वियसली ये JNU हम लोग को तो पूरा पता है कि किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है, किस तरीके से बाहर से लोग आते हैं और इन लोगों को फंड का एक बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, और इनके साथ मुझे लग रहा है कि अगर जांच हो तो बहुत सारे संलग्न पाए जाएंगे, बहुत सारे जितने लोग इसमें पूरा एक जो एक इनका नेटवर्क है वो नेटवर्क का पर्दाफाश होगा, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये बात एक अनएम्प्लॉयड किसी लड़की की नहीं है, ये बात किसी एक JNU स्टूडेंट की नहीं है, ये बात इसलिए जरूरी है कि देश के सुरक्षा के लिए ये लोग थ्रेट्स हैं, ये अगर हम जितना जल्दी जान जाए हमारे देश के लिए, हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
ये वही लोग हैं जो आगे चल के हमारे देश को एकदम चूर चूर करेंगे, क्योंकि ये पहले डेमोक्रेसी के नाम पे, सबके अधिकार के नाम पे पहले लोगों में एक तरीके से घुलते मिलते हैं, उसके बाद घुलने मिलने पर जब लगता है कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तभी अपनी सारी जो एक्टिविटी है ये करने का प्रयास करते हैं ताकि लोग इनके खिलाफ ना सोच पाए। और तो फंडिंग को लेकर भी जैसे वो बात कर रहे हैं, फंडिंग का पहलू भी सौरभ जी समझना बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने भी कहा कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, अनएम्प्लॉयड के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, और जाहिर सी बात है अगर इस पहलू पर जांच होगी तो तमाम और नए नाम भी क्या सामने आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं उनके पिताजी को सलाम करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरीके से बोले हैं, क्योंकि एक बाप को एक बेटे के खिलाफ बोलना बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने पहले देश को सबसे आगे रखा है, तो ये हम सबको समझना चाहिए कि देश प्रायोरिटी है। हमारा विचार अलग हो सकता है, हम एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो ऐसे सबसे पहले पिताजी को सलाम करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात, जो फंडिंग की बात बोल रहे हैं आप, देखिए फंडिंग इनका जो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बोली कि अनएम्प्लॉयड होते हुए इतना पैसा आना, इस तरीके से उनका जीवन शैली होना, ये एक बहुत ही सोचने की विचार है। एक पिता जो बचपन से पाला हुआ है अपनी बेटी को, उसको पता है कि उसकी बेटी का क्या कहते हैं, क्या रहन सहन है। तो जो जो एनजीओ होती है उसका रेगुलेट करने का एकमात्र तरीका है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं जो देश के खिलाफ या फिर जो सोसाइटी में आके सोसाइटी में अनरेस्ट पैदा करे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पूरा फंड देते हैं। और इस फंड को तो मैंने अपनी आंखों से इसलिए देखा है क्योंकि ऐसे ऑफर हमें मिले हैं यूनियन में काम करते हुए। हमसे ये बोला गया है चलो देश तो सब कुछ ठीक है, विचार सब ठीक है, लेकिन हमारे पास फंड होना चाहिए। तो ये हमें लालच मिला गया, लेकिन मैंने उस समय देश को सर्वोपरि समझा, इसलिए इन लोग के खिलाफ मतलब इन लोग से मैं हट गया। और यही जेएनयू में ही यूनियन ऑफिस में ऐसे लोग आते थे, मुझे कई बार ऑफर किया जाता था, उसमें राहुल गांधी जी का भी बहुत बड़ा श्रेय है अगर ठीक तरीके से इंक्वायरी किया जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शर्मा जी, लोग का मिलना हमेशा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे लोगों को देखना, और जिस तरह से अभी बड़ा खुलासा हुआ है, शैला के पिता खुद अब सामने आकर के पोल पट्टी उसकी खोल रहे हैं। सौरभ शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने अपनी बात रखी हमारे साथ, बातचीत के लिए शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ है, एक पिता सामने आकर के अपनी बेटी के बारे में इस तरह की बात कह रहा है कि मेरी बेटी से मुझे जान का खतरा है, क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि शहला रशीद के संदर्भ में भारत की तमाम जांच एजेंसियां और विचार दर्शन के लोग जिस तरह का उन पर आशंकाएं प्रकट कर रहे थे, उन आशंकाओं को उनके पिता ने पुष्ट किया है। अगर एक पिता अपनी पुत्री के संदर्भ में इतने गंभीर आरोप लगाता है और उस पुत्री के बारे में पहले से ही संदेह के बादल हो, ऐसे में सामान्य जनों को सामान्य बुद्धि से भी शहला रशीद की गतिविधियां संदिग्ध जांच के दायरे की और राष्ट्रद्रोही है, इसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता शेष बचती नहीं है। जी, और सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इलाज क्या है ऐसे लोगों का, अगर एक पिता ही आकर के कह रहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेटी को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ कि वो इस राह पे ना आगे बढ़े। एक तो पिता के विरुद्ध अपराध कर ही नहीं, पिता के बयान से भारतीय दंड विधा के अनुकूल पिता को धमकाने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग धमका रहे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और पिता जो भी आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच होगी, और जांच देकर जो भी कोई इस देश से गद्दारी करेगा उसको दंडित करने का हमारे देश में संवैधानिक प्रावधान है, उन समग्र प्रावधानों का सदुपयोग करेगा किया जाएगा, क्योंकि अब पुष्टिकरण की राजनीति करने वाला शासनकाल नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, आपने हमसे बातचीत की, अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बड़ी हुई है, और पल पल की अपडेट्स इस खबर से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हिंदुस्तान ने सबसे पहले यह बड़ी खबर आपको दिखाई है, और शहला राशिद के पिता अब्दुल राशिद ने जी हिंदुस्तान से बात की है, और इन सभी आरोपों को उन्होंने अपने मुंह से बताया हम सबको कि किस तरह से अब उनकी खुद की बेटी से उनको जान का खतरा है। फिलहाल रुक रहे एक ब्रेक के लिए, पल पल की अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे आप तक। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप, 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक, और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।